अरे इसका मतलब ये स्टार्ट नहीं। चलिए कोशिश करते हैं आज यूनिट डिजिट और यूनिट टू डिजिट के बारे में दोनों उदाहरण पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा डिजिट कितने होते हैं? दस होते हैं। कौन कौन से? जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो इन डिजिट में से हमें यूनिट डिजिट पढ़ने दे कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और हम उन्हें किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। देखिए और की बात तो फोन वगैरह लगाते हो वो भी लाइट यूनिट डिजिट और यूनिट टू डिजिट जितने लोग यहाँ पे हैं वो सब सब यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है। फोन सभी लोग अंदर कर लो पहली बार। दूसरी कॉपी और पेन हाथ में बस होना चाहिए। हाँ क्लास होने जा रही है मजाक नहीं होने जा रहा, वो जो जितना मजाक मजाक है वो सब अलग है। अभी आप लोग यहाँ पे है, अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे अर्थमेटिक का, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जब भी कैलकुलेशन आपके क्वेश्चन पेपर में आएगी तो आप उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको उसको गेस करके आंसर टिक करेंगे, ठीक है ना। अगर आप कल परसों के कुछ अभी जो एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो वहां पर बहुत बड़ा इफेक्ट डाला है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्होंने, ठीक है। कोशिश करिएगा आप लोग क्वेश्चन पेपर अगर बन जाए आप लोग पास वरना फिर हमको आपको एक दो दिन में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट और यूनिट टू डिजिट के बारे में हमें बात करनी है। यूनिट टू डिजिट के बारे में बात करने से पहले हमें अच्छे से आना चाहिए क्या यूनिट डिजिट? सबसे पहली बात ये आती है कि डिजिट कितनी होती है, और डिजिट 10 होती है। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 0 से लेकर के 9 तक की होती है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने आपसे बात की थी कुछ डिजिट को लेकर के, हमने आपसे बात की थी 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। आपसे सवाल में हमने इस तरीके से बताया हुआ था कि जैसे कि सपोज कर लो कोई एक सवाल ऐसे दिया 3 1 9 6 1 की होल पावर 543 और अगर हमने आपसे यहाँ पर यूनिट डिजिट पूछ लिया है तो आप जानते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक के बारे में बात करनी है। तो जो अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो पूरे जो भी आपको क्वेश्चन की फॉर्मेशन दी जाएगी उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक लेकर के चलना है। बाकी का जो संख्या बाकी का जो नंबर दिया गया है वो हमारे लिए यूजलेस होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें पूरी वैल्यू तो सॉर्ट आउट नहीं करनी है ना, हमें तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है, मतलब हम एक से काम चलाएंगे। आप जानते हो अगर हम 11 की घात 1 करते हैं तो हमें इकाई के स्थान में कितना मिलता है? 1 मिलता है। 11 का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो 121 होता है, 121 में भी इकाई स्थान पे कितना मिलता है? 1। और अगर हम 11 का क्यूब करते हैं तो 1331 मिलता है, और 1331 में भी इकाई स्थान पे कितना होता है? 1 ही रहता है। तो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर दिया हो अगर उसमें इकाई के स्थान पे चाहे तो 1 दिया हो, या फिर उसमें इकाई के स्थान पे 0 दिया हो, या फिर उसमें इकाई स्थान पे 5 दिया हो, या फिर कोई ऐसा नंबर जिसमें यूनिट प्लेस पर कितना हो 6, उसकी पावर कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी संख्या हो, एन के प्लेस पे आप कोई भी नंबर रख दो, 632 645 880 कुछ भी रख दो, उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे 1 की कंडीशन पे हमेशा 1 मिल रहा है ना, तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना? 1। यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना होगा? 0।
यहाँ पे पांच है तो इधर कितना और यहाँ पे छह है तो यहाँ पे कितना, बात समझ में आ गई? इतना तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ रखा था, इतना तो आपको समझ में आता है ना। तो चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6, ये अलग है, ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया ना। तो अभी हम यहाँ से 0, 1, 5 और 6 को हटा देते हैं। अब हमें बात किसके बारे में करनी है, 2 के बारे में, 3 के बारे में, 4 के बारे में, 7, 8 और 9, क्यों? 2 तरीके से यहाँ पे बात हो सकती है। एक तो बात आपको अच्छे से समझाने के बाद में आगे लेके जाई जा सकती है, और एक और चीज डायरेक्टली चीजों को खत्म किया जाए। तो डायरेक्टली अभी चीजों को खत्म करते, पहले एक बार जब अच्छे से पढ़ रहे तो एक बार अच्छे से पढ़ लेते। हम ले लेते हैं अब 4 के लिए, किसके लिए? 4 के लिए, ठीक है। कोई एक नंबर ले लेते हैं, 5, 1, 4 की होल पावर 3, 1, 3, और एक क्वेश्चन हमने ले लिया है 5, 1, 4 की होल पावर 3, 1, 4। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनकी धातुओं में एक छोटा सा डिफरेंट है। क्या? यहां पर जो ये 313 दिया गया है, ये एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर दिया हुआ है, और ये जो 314 दिया गया है वो कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, ऐसा है जी। तो हमें इनकी यूनिट प्लेस के बारे में बात करनी है। कुछ लोग तो जानते होंगे अच्छे से, और जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ, कोई अगर हम नंबर ले ले ऐसा जिसके यूनिट प्लेस पर 4 हो, तो 4 की घात अगर हम 1 करेंगे तो इकाई स्थान भी कितना मिलेगा? 4 मिलता है। अगर हम 4 का वर्ग कर दे तो फिर 4 का वर्ग मतलब 4 × 4 = 16, और 16 में इकाई स्थान भी कितना आता है? 6 आता है। अगर हम 4 की घात 3 करें, 4 की घात 3 का मतलब 4 × 4 × 4, तो 4 × 4 में कराओगे इकाई स्थान में क्या मिलेगा, और 6 का गुणा फिर से 4 में करा दो, 6 × 24, तो इकाई स्थान में कितना आएगा? 4। तो 4 की घात 3 करोगे इकाई स्थान पे 4 आएगा, 4 × 16 = 64। अगर हम 4 की घात 4 करें, तो 4 की घात 4 करने पे एक बार फिर से 4 का गुणा कराओगे, तो 4 × 4 कितना? 16 में इकाई स्थान पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ भी कितना आ रहा है? अब अगर 4 की घात 5 करोगे तो फिर से 4 आएगा, 4 की घात 6 करोगे तो फिर से 6 आएगा, 4 की घात 7 करोगे फिर से 4। मतलब क्या है कहने का? मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली साफ आपको देख रहा है, अगर घात विषम होगी, अगर घात कैसी हो? विषम होगी, तो जो अंक दिया गया है वही यूनिट डिजिट आ रहा है 4 के केस पे, तो इकाई का अंक क्या होगा? 4 ही होगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो पावर दी गई है ये कैसी पावर है? ऑड है, तो ऑड के केस पे क्या था? सेम देखना, तो यहाँ पर जो ये यूनिट प्लेस आएगा, यूनिट डिजिट आएगी, वो कितनी हो जाएगी? 4 होगी। और यहाँ पे ये देखो, जो घात दी गई है, पावर दी गई है, वो कैसी है? इवन है, इवन मतलब सम और ऑड मतलब विषम। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा? यूनिट प्लेस यहाँ पर 6 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर कोई भी संख्या दी गई, अगर कोई भी संख्या होगी, अगर उसमें इकाई स्थान पे 4 है, तो उसकी घात कुछ भी क्यों ना लगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यूनिट प्लेस 2 बन सकते हैं, एक तो 4 और एक 6, इसके अलावा कोई बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो जब विषम पर, सॉरी, जब विषम है तब क्या आएगा? 4 आना है, और जब सम होगा तब क्या आना है? बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? तो इतना नोट डाउन कर लो, और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? जल्दी करना है, 30 सेकंड ज्यादा है आपको। हटा दिया जी,
कोई ऐसा जिसको ये ना समझ में आया हो? सेम फील मत करना, ठीक है, क्योंकि जितने भी यहाँ बैठे हैं 95% सबका बेस गड़बड़ है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आता सभी को नहीं है, उनमें से एक बंदा सोचता है कि शायद हम ही को नहीं आया, बाकी सबको आया, तो पूछना भूल जाता है, पूछता ही नहीं है डर से। सर मुझे एक पूछिए, एक बार फिर से समझाते हैं। अच्छा, विषम अंक और सम अंक आप समझते हैं? कोई भी संख्या दी गई हो अगर उसमें इकाई के स्थान पर, आप इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, अगर इकाई के स्थान पर चार है तो हमें अगर इसका इकाई का अंक देखना है कि इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद में इकाई का अंक क्या होगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसकी घात देखेंगे। घात कैसी, सम संख्या या विषम संख्या? अगर विषम संख्या होगी घात, अगर घात कैसी होगी, विषम संख्या, तो उसका इकाई का अंक हमेशा चार होगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मतलब जो लास्ट में इसमें है वही इकाई का, मतलब वही तो वही रहेगा, वहां पे फिर क्या हो जाएगा, फोर, लेकिन ये फोर की कंडीशन पे ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम आपको एक और चीज आगे बताने वाले और पूरा काम जो होगा उससे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ सम संख्या, तो सम संख्या के केस पे इकाई के स्थान पे छह आएगा, कितनी बार समझ में आ गई। अच्छा जानते हो चार का एक मेरा भाई भी है, कौन है बताओ, नौ, ठीक है, जरा नौ के बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं नाइन के बारे में, कि कोई ऐसी संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर क्या है, नौ। हमने एक संख्या ले रखी है 4, 5, 7, 9, आप कोई भी नंबर ले लो, बस यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 9। इसकी पावर भी हम उस लगा देते हैं 5, 37, और एक दूसरा नंबर ले लिया है इसी तरीके का 4, 5, 7, 9 की होल पावर 5, 3, 8। यहाँ पे भी कुछ वही परिस्थिति आई जैसा लास्ट में था, लास्ट में यहाँ पे 4 था और ऊपर ऑड नंबर लिखा हुआ था, यहाँ पर भी 4 था और ऊपर कैसा था, इवन नंबर लिखा, दोनों कंडीशन तो वही है ना, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, उसी के बारे में हमने बात कर ली। हम वही तक फिर से निकालने जा रहे हैं, अगर हम 9 की घात 1 करें तो 9 की घात 1 में मान कितना होता है, 9 की घात 1 का मान 9। जितने लोग पेन चला रहे हैं सभी लोग इधर देखें, ठीक है, अपनी इस आदत को अभी थोड़ा सा विराम दो, हाँ आगे आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है ना, आपको समझ में आना का परसेंटाइज ज्यादा होगा। तो 9 की घात 1 का मान कितना है, अगर हम 9 की घात 2 का मान निकालें तो 9 की घात 2 का मान कितना होता है, 81, और 81 में इकाई स्थान में क्या है, 1 है। अगर हम 9 की घात 3 का मान निकालते हैं, 9 की घात 3 का मान विवेक कितना होगा, विवेक से पूछा है, 3 का ध्यान यहाँ पर नहीं है, उनको फिर फोन करके आगे बढ़ो, 927 बोला कर देना, 7-2-9 ये याद था लेकिन अचानक से भूल गया। तो 9 की घात 3 का मान निकालेंगे 729 होता है, हमें सिर्फ उधर इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई का अंक क्या है, 9 है। अगर हम 9 की घात 4 के बारे में बात कर लें तो 9 की घात 4 में फिर इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर भी परिस्थितियां वही है, अगर घाते विषम है तो जिस अंक का पूछ रहे वही अंक होगा इकाई का, और अगर घात कैसी है, सम है, तो फिर इकाई का अंक क्या होगा, नहीं आया, आ गया। अरे बोलो भाई, आ गया। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगा, डिपेंड करता है नंबर कैसा है, तो नंबर कैसा है, और की कंडीशन पे यूनिट डिजिट कितना, यहाँ पर कैसा नंबर है, इवन नंबर है, इवन का मतलब सम संख्या है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना होगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। बात समझ में आ गई, 4 और 9 के केस पे हमेशा सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ही इकाई के अंक मिलते हैं, 4 में कौन सा मिलते हैं, 4 और 6, 9 में कौन सा मिलेगा, 9 और 1। आ गया समझ में, 100% ना, इसको 9 वाले को भी नोट डाउन कर दो, फिर एक ब्रह्मास्त्र पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, उसको ब्रह्मास्त्र ही बोला जाए जो सभी का काम खत्म कर दे, क्यों, उसके लिए एक चीज है प्रैक्टिस।
मैथ अगर एक बार अच्छे से सीख लें तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस चलते जा रहे हैं और आपकी घर में प्रैक्टिस चलती है, ठीक है। वैसे प्रैक्टिस हम यहाँ पे कराते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिस अधूरी रह जाएगी बिना आपके। कैसे? जब तक आप घर में कैसे नहीं लगाएंगे तब तक की बात समझ नहीं आएगी। वैसे काफी लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले से ही नहीं करा होगा, जो नए बच्चे उनकी बात कर रहे हैं, पुराने तो मैंने कितनी बार पढ़ा था। जिसका भी फोन है ये साइलेंट कर लो, ठीक है, कोशिश करके सभी लोग अपने फोन को साइलेंट रखा करो। हाँ, हम भी देखो साइलेंट रखो, हटाते चले आगे बढ़े। अच्छा, डिजिट कितने होते हैं एक बार जरा फिर से बताओ। 0 से 9। 0 से 9 तक, लेकिन कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से? 0 से लेकर के 9 तक। पीछे से कोई बोल रहा है? आप भैया आगे आप ही लिखो, कौन कौन बोलेगा 0 से लेकर 9 तक। इसमें हम लोगों ने 0 पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया। अब सिर्फ और सिर्फ बातें किसपे? 2 पर, 3 पर, 7 पर, 8 पर, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरह के तर्क को ना उठाते हुए आपको समझा करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम 2 को ले ले, 2 के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो 2 के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। कोई एक नंबर ले लेते हैं, 4172, जिसमें इकाई के स्थान पर क्या है? 2 है। और हमने यहाँ पे घात चढ़ा दी है 543। हमें यहाँ पर इसका इकाई का अंक देखना है। जितने भी लोग हैं सभी लोग एक बार ध्यान से समझ लो, कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। पहली बात डायरेक्टली बात करते हैं, 4 की डिविजिबिलिटी कितने लोगों ने पढ़ी है, मतलब विभाज्यता के नियम आप में से कितने लोगों ने पढ़ रखे हैं पहले से? अप्रोक्सीमेट सभी ने, जिन्होंने नहीं पढ़ रखे हैं उनके लिए अभी हम बता देंगे क्या करना है। 4 की डिविजिबिलिटी होती क्या है? जैसे कि सपोज कर लो हमें ये चेक करना है कि ये 544 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इकाई के 2 अंक लेंगे 44 और भाग करा लेंगे 4 से। अगर कट रहा है तो पक्का है संख्या भी कट जाएगी, और अगर नहीं कट रहा है जैसे कि 543 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 543 में देखो 4 क्या 43 को काट पाता है? नहीं काट पाता है ना, मतलब ये 543 को भी वो नहीं एलिमिनेट कर पाएगा, ओके ना। तो हमें 4 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी आपको आ गई, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 4 यहां पे जब भी कभी भी 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, इकाई के स्थान पर कोई भी अंक क्यों ना हो। अभी यहां पे हमने 2 दिया, 2 को सिखा रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस बता रहे हैं ये आप कहीं भी किसी में भी अप्लाई करो, 1 में, 2 में, 3 में, 5 में, 7 में, 9 में, 0 में, किसी में, ठीक है ना। ये वाला जो प्रोसेस है सीलन जी, इसको कहीं भी आप अप्लाई कर देना, ठीक है, हो जाएगा आंसर। बस ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, वो लगा देना। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो घात दी हो वो घात कैसी भी क्यों ना दी हो, 3 अंकों की दी हो, 4 अंकों की दी हो, 5 अंकों की दी हो, कितने अंकों की भी दी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के 2 अंक लेने हैं। क्यों? क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी इकाई के 2 अंकों में लग जाती है। तो ये जो घाते हैं 43, सिर्फ और सिर्फ हम 43 लेंगे, 1543 को मत लेना, हाँ, सिर्फ और सिर्फ इकाई के 2 अंक ले लें, और इससे हम 4 से भाग करा ले और शेष पर निकाले कितना है। 4 का हम 40 और शेष पर कितना आ जाएगा? 3। कितना रहेगा? 3। तो जो यहाँ पे शेषफल आएगा उसी को आप घात बना देंगे, उसी को आप नई घात बना देंगे। और ये ध्यान रखिएगा हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है ना। इकाई का अंक निकालने में हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक की जरूरत होती है, बाकी का जो नंबर होगा वो हमारे लिए यूजलेस होता है। तो अगर कोई यूजलेस है तो उसको हम छोड़ दें, तो हम किसको ले लेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 को ले लेंगे, और जो यहाँ शेषफल आया उसी को हम घात बना देंगे। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 का गुणा 3 बार आपस में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पे इकाई के स्थान पे कितना आ जाएगा? नहीं आया, आ गया सर, आ गया जी। कुछ लोगों के माइंड में ये उठ रहा है कि भैया यहाँ पे आपने 43 में 4 से भाग क्यों कराया, चलिए जरा उसके बारे में भी जान लेते हैं।
और जिन लोगों को ये अभी थोड़ा सा कम समझ में आया, इनके लिए अभी हमने एक आधे और सवाल लेके आते हैं, ठीक है, ये भी प्रैक्टिस कराते हैं। बात ये आती है कि चार से हमने यहाँ पे भाग क्यों कराया। चलो देख लो, दो की घात एक का मान कितना होता है, दो की घात दो का मान कितना होता है, दो की घात तीन का मान कितना होता है, आठ, दो की घात चार का मान कितना होता है, सोलह, और सोलह में एक एक्सपेंडर कितना होता है। अगर हम दो की घात पांच का मान देखेंगे तो सोलह दो की बत्तीस, दो की घात पांच का मान कितना होता है, बत्तीस, तो बत्तीस में एक एक्सपेंडर कितना है, दो। अब दो की घात छह देखो फिर चौसठ, एक सौ अट्ठाईस, दो सौ छप्पन, पांच सौ बारह, इसी तरीके से चलता रहेगा। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि आप दो की घात कितनी भी क्यों ना चढ़ा दो, इकाई के अंक जो मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ चार में से कोई एक मिलेगा, या तो दो मिलेगा या तो चार मिलेगा या तो आठ मिलेगा या तो छह, इनके अलावा कोई मिलेगा क्या, नहीं, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हर चार के बाद में रिपीट हो जाता है, हर चार के बाद में फिर से देखो दो आ जाएगा, हर चार के बाद में फिर से क्या है दो आ जाएगा, हर चार के बाद में यहाँ पे रेपिटेशन होने लगती है। तो हमें करना क्या है, जो भी यहाँ पे घात दी गई है हम उसे किससे भाग करा ले, चार से, और चार की आप लोगों ने डिविजिबिलिटी सीख रखी है, क्योंकि चार में हम पूरी संख्या में भाग नहीं कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ इकाई के दो अंक लेंगे। तो इकाई के दो अंकों भी क्या है, तिरालीस, तिरालीस को हमने भाग किससे कराया, चार से। शेषफल निकालो, ध्यान रखना भागफल का हमें कुछ भी यूज नहीं करना है, हमने क्या निकाला है, शेषफल निकाला है, और जो शेषफल निकालेंगे उसी को इकाई की घात बना देंगे। जो पहले वाली घात देखी वो हमारे लिए फिर यूजलेस हो जाएगी, जो रिमाइंडर बचा है, जो शेष फल बचा है उसी को हम घात बना देंगे। कोई ऐसा जिसको ना आया हो, ये फॉर्मूला सभी में लग जाएगा, हाँ ये सभी में, हाँ चाहे तो आप एक में लगा लो, चाहे आप नौ में लगा लो, चाहे आप आठ में लगा लो। अच्छा पता है क्यों, इसका भी आप सब में डिवाइड चार से, हाँ सब में डिवाइड चार से करा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अच्छा एक बात बताओ, सोलह है हम उसे दो से भाग करा ले या फिर चार से, हमें ये ज्ञात है ये जो सोलह है वो या तो दो से कट रहा है या तो चार से कट रहा है, तो आप अपने सवाल को जल्दी करने के लिए चार से भाग कराएंगे, ऐसा करोगे कि नहीं करोगे, करो। सवाल को जल्दी कराने के लिए अभी तक क्या हमने पिछले जो भी दो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं, एक जीरो पांच छह वाले और चार और नौ वाले, वो हमने सवाल को थोड़ा जल्दी खत्म करने के लिए बताया हुआ, लेकिन कभी कभी एग्जाम में होता है क्या बच्चे कॉन्सेप्ट भी भूल जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपके सामने ये तो रहेगा ना हमेशा, ठीक है। अब जरा ध्यान समझिएगा, जैसे कि हम एक के बारे में बात करने वाले थे, तो एक में आपने एक का घात एक किया था, एक आया था, एक की घात दो किया था, तब भी कितना आया था, एक ही आया था, तो यहाँ पे रिपीट कितने के बाद में था, यहाँ पे हर एक के बाद में रिपीट हो रहा था, यहाँ पे हर एक के बाद में रिपीट हो रहा था ना, चार की कंडीशन आपने पढ़ी थी, चार की घात एक का मान चार, और चार की घात दो का मान कितना, सोलह, पूरा मान बोला उसका इकाई का अंक है, और चार, जब चार की घात तीन करते थे तब इकाई का अंक फिर से चार आ जाता था, तो हमें इसको लेना नहीं, यहाँ पे कितने के बाद में रिपीट हो जाता है, दो के बाद में रिपीट हो जाता है, और यहाँ पे दो की कंडीशन पे कितने के बाद में चार के बाद, जब आप तीन के लिए निकालोगे, तीन की घात एक का मान तीन, तीन की घात दो का मान नौ, तीन की घात एक का मान तीन, तीन की घात दो का मान, तीन की घात तीन का मान, और तीन की घात तीन चार का मान इक्यासी हो जाएगा, इकाई स्थान पे एक, और जब तीन की घात पांच करोगे तो फिर से क्या जाएगा, तो यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया ना, तो देखो कितने के बाद में रिपीट हुआ, चार के बाद में। इसी तरीके से अगर हम सात के लिए भी निकालेंगे तो वो भी चार के बाद में रिपीट हो जाएगा, अगर हम आठ के लिए देखेंगे तो वो भी चार के बाद में क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। कितनी बात समझ आई, यहाँ पे एक की रिपीटेशन मिल रही थी, यहाँ पे दो की रिपीटेशन मिल रही है, और यहाँ पे चार की रिपीटेशन मिल रही है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे ऐसा ना कर लेंगे, हम डायरेक्टली चार से भाग करा लें, क्योंकि चार से जिस संख्या को हम चार से काटेंगे, जिस संख्या को हम चार से काटेंगे, क्या वो एक से नहीं कट जाएगी, कट जाएगी, क्या वो दो से नहीं कटेगी, कट जाएगी ना, चाहे तो आप एक के लिए देखो, चाहे तो आप दो के लिए देखो, या फिर डायरेक्टली किसके लिए देखो, तो अगर हम चार से डिवीजन करा रहे हैं तो आंसर हमेशा सही आने वाला है, पहली बात। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, उसके लिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले ये बताओ ये जो क्वेश्चन हमने समझाया ये आपको आ गया, बाकी को हमने आपको अलग चीजें समझाई है, तो इसको नोट डाउन मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा हम धातु किससे बात कराएंगे, इस कंडीशन पे दो तीन सात और आठ पे, आप नौ एक वगैरह पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है, लगेगा वहां पर भी अप्लाई होगा।
किसी में भी लगा देंगे, मतलब जीरो से लेके नाइन तक आप किसी में, ये माइंड में। अब ये बात को चार पांच क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, सभी सीख जाओगे, ठीक है? उसके लिए परेशान है। आपको आया 100% ना? अभी उसी के बारे में हमें बात करना है, अभी हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है? जब शेष फल जीरो होगा तो फिर हम लोग चार ही देंगे, ओके ना? अभी हमें उसके बारे में बात करनी है, ठीक है? हम आगे बढ़ेंगे, तब तक बात करेंगे। ये आ गया, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, बस 10-15 सेकंड है आपके पास, फिर आगे बढ़ सकते। ये लिख ले कि 0 से 9 तक कितनी भी संख्या है। प्रियंका आपको आ गया? जी आपको? सत्यम कंफर्म ना? कभी भी एग्जाम में आ जाएगा, कर लोगे? विवेक में आ गया, चलो बढ़िया। हटा दे, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसे हटा दे। अच्छा चलिए, अब बात आती थोड़ा सा प्रैक्टिस के बारे में, तो सभी लोग आंसर बताएंगे। हाँ, जिसको पहले से आता होगा वो नहीं बताएगा, हाँ जो लोग नए सीखे होंगे वो बताएंगे आंसर, ठीक है? और इसके एग्जामिन करने वाले सबसे बड़े आप ही, किसने पहले से सीख रखा था, किसने 4138 की होल पावर 817। चार सवाल चारों अलग तरीके, जितने लोग नए हैं सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, सभी क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड है आपके पास, ठीक है? तो 2 मिनट टोटल, ओके ना? सभी लोगों को कॉपियों में सॉर्ट आउट करना है। हाँ ठीक है, तो कैसे नोट डाउन किए? नहीं किए, चलो ठीक है, जैसे आप लोग सीख पा रहे आपको ये दो आ जाए, फिर आप डायरेक्टली कोशिश करिए इसको करने के लिए, ठीक है? क्योंकि ये जो तीनों है एक तरह से सिमिलर है। इसका कितना बन? 2 की घात अभी पड़ी थी, 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 3 का मान 8, 2 की घात 4 का मान 16, मतलब डायरेक्ट तो 2, 4, 8 और 6 आ सकता है। इसके अलावा कभी भी ऐसा नंबर कोई होगा, कोई सम संख्या दी उसकी आप घात लगाएं और इकाई स्थान पे 1 मिले, नेवर पॉसिबल ना, कभी पॉसिबल नहीं होगा, ये आप अपने माइंड में रखना। रिमाइंडर 0 आ रहा है, देखो कोशिश करिए कि रिमाइंडर कभी 0 आए ना, कुछ ना कुछ आ जाए, बस आ गया।
चार बजे का तक जिसमें रिमाइंडर जीरो उसमें चार ही रखना। हाँ जिसमें रिमाइंडर जीरो आ जाए उसमें चार ही रखना। देखो पहले इस वाले सवाल को, सबसे पहला काम सत्रह, सत्रह को चार से भाग कराओगे शेषफल कितना एक बचेगा। अगर शेषफल एक बचेगा तो आप आठ की घात एक चढ़ा दो, मान कितना आया यही आपका सही है। नहीं आया आपको आ गया रिपीट करते इकाई के दो कौन से सत्रह को आप भाग किससे कराओगे चार से भाग कराओगे कितने बार जाएगा कितने बार जाएगा चार बार चार बार शेषफल कितना बचा एक। जो शेषफल बचेगा उसी को आपने भाग बना आर्थिक आदि का भाग आ गया। वही चीज यहाँ पे पहली बार अठारह अठारह को आप चार से भाग कराओगे चार तो नहीं दो बचेगा सोलह शेषफल कितना दो बचेगा दो शेषफल बचा तो तीन की घात दो तीन की घात दो का मान नौ नौ होता है तीन गुणे तीन पांच मिनट में आ गई। तो यहाँ पे इकाई स्थापित कितना हो गया अब यहाँ पे बात करते हैं तो इकाई के दो कौन से उन्नीस है उन्नीस को आप चार से बात कराओगे चार सौ में सोलह शेषफल कितना जो शेषफल बचेगा उसे हम सात की घात में बना दें सात की घात तीन और सात की घात तीन का मतलब क्या है सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन सात सत्ते चार सत्ते एक सौ तिरालीस तीन सौ तिरालीस में इकाई के स्थान पर कितना आ जाएगा। आप थोड़ा कुछ इस तरीके से करा सकते हो सात गुना सात कितना उनचास में इकाई स्थान पे नौ सत्ते तिरसठ में इकाई स्थान पे बात समझ में आ गई यहाँ पे तीन आ गया। अगर यहाँ पे देखना सभी लोग ध्यान से देख लो आप सभी को क्लियर है लेकिन जल्दबाजी में कभी कभी गलती कर जाते हैं ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम में जब आएगा तो इस तरीके की क्वेश्चन नहीं देगा ठीक है ना। एग्जाम में आपको क्वेश्चन वो देंगे जहां से गलतियों की गुंजाइश हो सके ठीक है। ज्यादा की तो बात नहीं है ज्यादा की बात करेंगे तो फिर टीचर कैसे बनाएगा। देखो हमने क्या लिया 20 को 20 को हम डिवीजन किससे कराएंगे चार पंची। एक बात ध्यान रखिएगा अगर आप इस स्पेस पर जीरो को ही घात बना देंगे तो दो की घात जीरो का मान कितना होता है एक होता है। आप किसी भी नंबर की पावर जीरो करोगे हमेशा वैल्यू वन मिलेगी। सपोज कर लो अगर आपने पांच की घात जीरो किया तो पांच की घात जीरो का मान कितना होगा चलिए आप बताइए आठ की घात जीरो का मान कितना होगा किसी भी नंबर की घात जीरो हो तो हमेशा उसका मान कितना होगा एक ही होता है ये आपको पता है। तो पहली बात यहाँ पे भाई जीरो मत लगा देना ठीक है हमें ध्यान रखना यहाँ पे हमें शेषफल चाहिए। अगर शेषफल चाहिए तो फिर एक काम करो पहले पांच बार तुम भाग करा रहे अब एक बार कम करा दो चार चौकी और सोलह बीस में से सोलह घटाओ कितना। तो ये आप ध्यान रख लो कि अगर शेषफल कभी भी जीरो आ जाता है तो फिर आप घात कितनी चढ़ाएंगे चार चढ़ाएंगे। नहीं आया अरे बोलो भाई घात चार का मान सोलह होता है सोलह में कितना मिल जाएगा बात समझ में आ गई। अरे बोलो भाई कि पहला वाला जो क्वेश्चन था हम इसको हटा देते मुझे किसको नहीं आया कोई ऐसा जिसे नहीं है। अब बात ये आती है अगर कभी वन या फिर नाइन वगैरह कभी आपको ऐसा मिल जाता है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। चलो हम नाइन की एक्सप्रेशन ले लें फोर वन नाइन की होल पावर टू वन फोर इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है फोर से डिवीजन करा करके चेक करना है ठीक है। वैसे आपको पता है कि ऑड डिजिट में नौ आता है और इवन डिजिट में वन आता है। यहाँ पे 214 इवन नंबर दिया गया तो वन ही है तो वन आएगा तो आप अपने क्वेश्चन को एग्जामिन कर लो चार से डिवीजन करा करके। तो लोग मैं सीख रहे हैं जल्दी से करें इसका आंसर आ गया नहीं है। सबसे पहले चौदह लोग चौदह को भाग करो चार से चार तीन बारह शेषफल कितना बचा दो जो शेषफल बचेगा उसको हम भाग चढ़ाएंगे तो नौ की घात दो नौ की घात दो का मतलब क्या होता है नौ बड़े नौ इक्यासी इक्यासी के इकाई स्थान पे कितना है आठ एक। ओके क्लियर है ना। नहीं हमें सभी पहलुओं पे बात करनी होती ये चीजें वो है अगर किसी के माइंड से किसी को से अगर
आठ निकल आया तो फिर हमें इस बात से थोड़ा सा सुन करके तसल्ली होती कि हाँ कोई ऐसा बंदा है जिसको इकाई का अंक नहीं पता है कि इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है तो उसको फिर सिखाया जाए। नहीं देखिए चीजें है और दूसरी बात है मैथ का आपका बैकग्राउंड आप में से कुछ लोगों का बैकग्राउंड नहीं रहा तो उसको साथ में लेके चलना। और एक बात ध्यान रखिए अगर ये यहाँ पे अगर छूट गए समझो पूरे टीटी दिन पूरे सेशन में नहीं होते रहेंगे। अगर हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले बीच में अगर हम एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे पर आपको देते रहे उसके बावजूद भी वो रिकवर नहीं होने वाला। ये जो तकरीबन एक महीने का टाइम रहेगा जब तक आप 11 चैप्टर नहीं पढ़ डालेंगे तब तक फिर वो बात नहीं आ जाएगी। क्वेश्चन लगाते रहोगे बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाओगे। हटा दें तो यूनिट डिजिट के बारे में हमने बात कर ली ना। अच्छा फैक्टोरियल वगैरह के बारे में बात की थी, फैक्टोरियल के बारे में बात की थी। टेस्ल प्रमेय कितने लोगों ने नहीं पढ़ी, रिमाइंडर थ्योरम अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी। चलिए आपको फोरियर सॉल्यूशन बता देंगे क्या करना है, ठीक है उससे पहले हमें एक सवाल पे बात करनी है। आपसे शेषफल प्रमेय में ही बोला गया था कि जब वो खत्म हो रही थी तो हमने बोला था कि एक सवाल हम आपको देंगे जब यूनिट डिजिट खत्म होगा। तो यूनिट डिजिट अप्रोक्सीमेट खत्म हो रहा है पहली बार ये फैक्टोरियल के बारे में जरा बात कर लेते एक बार फिर से जिन लोगों को नहीं पता है। अच्छा फैक्टोरियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रमित गुणन, ठीक है। बात किया फैक्टोरियल साइन कैसे होते हैं, तो फैक्टोरियल साइन दो तरीके से होते हैं, या तो आप एक को बना दो या तो आप दूसरे को बना दो। तो फैक्टोरियल में जो एक साइन है उसको हम एल शेप में बनाते हैं और जो दूसरा साइन है उसको कुछ इस तरीके से संबोधन वाला ना, ठीक है ना। एक्सक्लेमेशन देखो सुनो सपोज कर लो हमने यहाँ पे कोई एक नंबर लिखा तो अगर इस वाले साइन का यूज करेंगे तो हम इसको अंदर लिख रहे हैं। इस साइन का हम अगर यूज करेंगे तो 34 को उसके अंदर लिखेंगे थोड़ा बड़ा लिखेंगे। अगर इस वाले साइन में यूज करेंगे तो 34 को पहले लिखेंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर फैक्टोरियल साइन बाद में करेंगे, ओके ना। अब बात ये आती है इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज कर लो अगर हमने फैक्टोरियल 1 बोला है फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होगी 1, अगर फैक्टोरियल 2 बोले तो फिर 2 को हमें क्रमित गुणन क्रम से गुणा करना है कहां तक 1 तक। अगर कोई भी नंबर दिया जाता है जैसे कि सपोज कर लो हमने आपको फैक्टोरियल 5 दे दिया तो इसका मतलब क्या है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120, 5 × 20 = 60, 60 × 120 = 120। विवेक फैक्टोरियल 0 का मान कितना 1 याद आया कुछ, याद आ गया लास्ट क्लास में भी जब हमने आपको पढ़ाया था शायद फ्राइडे पर था तभी ये बात जा रहे थे इस कंडीशन पे आज से फैक्टोरियल 0 का मान लास्ट क्लास में सीधा मुझे मदद कर दी फैक्टोरियल 0 का मान था क्यों याद आ आते को ये बता रहे हैं कि आप मतलब ये है कि ये जो है ये उसके सबसे नहीं चलता अरे चलो वो स्टैंड वाला मंगा देंगे ठीक है सब चाहे जितना सीट लाते रहेंगे उसके बिल्कुल इफेक्टिव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इनफैक्ट ऑर्डर कर दिया था ठीक है लेकिन हम फिर बाहर तो मंडे को आने के लिए बोल रहा था तो हमने फिर से उसको कैंसिल कर दिया। ज्यादा था क्या हो फिर से लौट देगा फिर से मंगा लेंगे। चलिए देखिए तो फैक्टोरियल के बारे में आप लोग समझिए एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पे जरा फैक्टोरियल 2 का मान अगर निकाला है तो 3 और 4 के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं इनको क्यों जोड़े क्योंकि फैक्टोरियल 5 से पढ़ लिया। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 × 2 × 1 तो 3 × 6 = 6 फैक्टोरियल 4 के लिए 4 × 3 × 2 × 1 4 × 12 = 24 ठीक है। अच्छा फैक्टोरियल 5 के लिए निकालना है 20 सपोज कर लो हमने आपसे कुछ इस तरीके से सवाल पूछ दिया 1 × 2 × 3 × 4 × 5 तक हमने आपसे पूछ लिया इकाई का अंक बता दो क्या इकाई का अंक। तो इकाई का अंक आपको क्लियर है आप अगर इस 2 × 5 में करा दोगे तो कितना बन जाएगा 10 की इकाई कितना 0 है तो 10 × 3 से कराओ या फिर 4 से कराओ हमेशा इकाई स्थान में क्या होगा सपोज कर लो कभी एग्जाम में आपसे सवाल पूछ लिया गया अगर न्यू स्टूडेंट है
वो फॉर्म फिल करके ही जाए, ठीक है ना। सपोज कर लो एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया फैक्टोरियल 434 की वैल्यू, मैं यूनिट लिस्ट क्या पूछा, इसका आप इकाई का अंक बता दो, यूनिट डिजिट बता दो। यूनिट डिजिट निकालने के लिए सपोज तक फैक्टोरियल लगाओ तो बस एक चीज देखिए, आप ये देखना जो 434 है वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा, बड़ा है ना। तो बड़े की केस पे जब भी कभी भी 5 या 5 से बड़ा होगा फैक्टोरियल के अंदर तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, जीरो। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक लिखा है, 1 से 9 तक के लिखने का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 9, क्योंकि 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 तक क्या है, तो इसका मतलब क्या फैक्टोरियल 9। अभी हमने देखा 2 और 5 का गुणा करेंगे इकाई स्थान पे कितना मिल जाएगा, जीरो। अब 10 का गुणा 3 से करा तो 4 से करा तो 10 × 30, 30 का गुणा 4 से करा तो 120, इसी तरीके से मिलेगा ना। लेकिन इकाई का अंक कभी नहीं बदलेगा, इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा, जीरो, जीरो ही रहेगा। और अगर इकाई का अंक जीरो है तो ये चीज आप हमेशा अपने कॉपी में सबसे ऊपर कॉलम में लिख लेना, क्या कि जब कभी भी अगर फैक्टोरियल के अंदर की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, जीरो, जीरो होगा। लेकिन अगर उससे छोटी होती है तो फिर एग्जाम में आप निकाल सकते हो 4 का मान 24, 3 का मान 6, 2 का मान 1, 1 का मान 1, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू लिख लो भाई हमेशा 1 होती है, कितनी होती है, बाई चांस कभी 8-10 साल में शायद कभी एग्जाम में पूछ लो, ठीक है, घूम करके एग्जामिनर बना रहा उसके वो पढ़ा गया फैक्टोरियल 0। नहीं हमें तो पढ़ाना है ना, अब 8-10 सालों की बात हम कर रहे हैं, 8-10 सालों में कभी एक ही बार आएगा, एक दो बार चार चला आगे, तो ये ध्यान रखिएगा ये जब आएगा तो एक ही बार आएगा, उसके बाद फिर ये ऐसे सामने आने वाला नहीं, ठीक है। क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अचानक से उड़ करके आ जाते हैं और फिर बच्चे उसमें गेस करते हैं कि इसमें आंसर क्या होगा, और फिर एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलेंगे तब पर वहीं पे चर्चा करते हैं, अरे यार फैक्टोरियल जीरो में तो जाए कैसे करते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कितनी होती है, एग्जाम में जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा आपकी बुक से आएगा वहीं से, लेकिन थोड़ा सा चेंज वो कर, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना है वो सही से पढ़ना है ताकि आप ये फीचर अच्छे कहला सके, इतनी बात समझ में आ गई बनता है ना। चलो एक क्या कह रहे दूसरा वाला फैक्टोरियल, अरे दूसरा वाला फैक्टोरियल ये हो गया 434 दिया था ना, हाँ हाँ बस इसमें आप यूनिट डिजिट पूछ ले बात खत्म, नहीं यार और कुछ कह रहे थे इसमें, यही कह रहे थे कि बना के दिखा। चलिए ठीक है, एक सवाल आपके घर के लिए, ठीक है, कोशिश करिएगा और फिर हमको आपको बताएंगे। किसी को भी आंसर ओपन नहीं करना है, आप घर पे जाए, ठीक है। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो घर पे जाकर के बस ज्यादा ज्यादा 2 मिनट दे रहे इस सवाल को, इससे ज्यादा मत देना वरना फिर आधा घंटे इसी के लिए बैठे रहे, ठीक है। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिमाइंडर फॉर्म नहीं पढ़ी है, रिमाइंडर नहीं पढ़ा है ना, तो सुनो YouTube में जाओगे और वहां पे सर्च करना सक्सेस अकेडमी के वीडियो लिस्ट में जाओगे, सबसे नीचे पहुंचोगे तो वहां पे शिष्टाचार में
दी गई है, ठीक है, आप वहां से देख सकते हो। और जिन लोगों ने यूनिट डिजिट नहीं पढ़ा है तो फिर वो रिवीजन कर सकते हैं। वैसे आपको पढ़ लिया ना, आ गया। चलिए आज की क्लास में नेक्स्ट पार्ट हटा दीजिए, नोट डाउन कर लिया।